गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर मोशन करते हैं बेटा। मोशन में आप अभी तक स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर इसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो स्पीड या वेलोसिटी में जो चेंज है टाइम के हिसाब से, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v है। लेट v फाइनल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है बेटा, लेट t इज टाइम टू चेंज द वेलोसिटी। t क्या लिया? टाइम लिया भाई चेंज करने में। देन विच इंप्लाइज एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा भाई? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v माइनस u पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? v माइनस u डिवाइडेड बाई t। ठीक है बेटा, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, चलो अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड goes to velocity 40 meter per second in 10 second. Find the acceleration of the car. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन देखो इसका। तो बेटा ये बताओ कहां से स्टार्ट हुई है? रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। हेयर यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है भाई? जीरो। वी, वी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और वो क्या है? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टी, टी का मतलब क्या है? टाइम। टाइम गिवन है कितना?
10 सेकेंड। तो क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है। फार्मूला क्या है भाई, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, वी की वैल्यू कितनी है 40, यू की वैल्यू कितनी है 0, टी की वैल्यू कितनी है 10। तो 40/10 तो कितना आ गया भाई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो और कर लेते हैं न्यूमेरिकल एक दो और, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखो, एक कार मूविंग विद, लिख लो मूविंग विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर goes to speed, velocity लिख रखा था, velocity flow goes to velocity 14 kilometer per hour in 20 minute। 14 की बजाय 40 लिख लो और 20 की बजाय चलो लिख लो 10। इन 10 मिनट फाइंड दी एक्सेलरेशन ऑफ दी कार। देखो भाई, अब यहाँ पे मूविंग विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सॉल्यूशन है इसका, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू क्या भाई, 4 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी क्या भाई, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट। अब ये जो टाइम 10 मिनट है, इसको आवर में करना ज़रूरी है भाई। तो टाइम हम 10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर में, डिवाइडेड बाय 60 कर लो तो 1/6 आवर हो गया भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, हेंस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू, हमारे पास वी की वैल्यू कितनी है 40, यू की वैल्यू कितनी है 4, टी की वैल्यू कितनी है 1/6, 36, ऊपर 6 चला जाएगा। ठीक है ना, 6 नीचे है, 1/6 है, ऊपर चला जाएगा ये, तो कितना आ गया 216 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आ गए तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट होना चाहिए, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं एक्सेलेरेशन से रिलेटेड। चलो भाई, अब नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बेटा ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो क्या होता है, दीज आर दी रिलेशन बिटवीन
इनिशियल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी. These are the relation between initial velocity, final velocity, acceleration and time t. कितनी है भाई? तीन है हमारी equation of motion जो main है, तीन है. कौन कौन सी? Number वन, v is equal to u plus a t. Number टू, s is equal to u t plus half a t square. Number थ्री, v square minus u square is equal to 2as. जहाँ पे v हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. a क्या है? एक्सेलरेशन. टी क्या है? टाइम. एंड एस जो है वो हमारे पास क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बेटा, ठीक है. तो ये थी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन. तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, इनका यूज करके हम निकाल सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल. ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल निकाल के. ए कार moving with a speed of 40 km per hour, a car moving with a speed of 40 km per hour for 10 seconds. ठीक है, फॉर 10 सेकेंड. इफ इट गेट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लो, चलो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड दी distance attained by the car. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये कार है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो इनिशियल स्पीड दे रखी है, और 10 सेकंड के लिए वो क्या कर लेती है, उसमें एक्सेलेरेशन आ जाता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फाइंड करना है डिस्टेंस वो कितनी लेगा. अब ये बताओ, ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और ये 40 किलोमीटर पर आवर में, तो ऊपर वाला भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन में क्या होगा भाई? पहले हम इनिशियल वेलोसिटी की निकालेंगे, करेंगे, और उसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में. देखो इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर पर आवर. तो इसको हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में. 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600. ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई?
100 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। ठीक है भाई, क्या आ गया हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 9। तो U इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज U इज इक्वल टू 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड। यही रख लो, बाद में कैलकुलेशन करेंगे तब कट जाएगा। तो अब ये बताओ टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। A की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखो फार्मूला हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S निकालनी है, U की वैल्यू कितनी है 100 बाई 9। T की वैल्यू कितनी है, टाइम कितना ले रखा है इसने 10 सेकेंड, ठीक है। हाफ A की वैल्यू कितनी है 20, और T 100 ले रखा है, टाइम 10 ले रखा है, स्क्वायर कर दो उसका। तो ऐसे 1000 बाई 9 प्लस 1/2 इंटू 20 इंटू 100, ठीक है 10। तो क्या आ गया हमारे पास 1000 बाई 9 प्लस 1000 कॉमन ले लिया, 1/9 प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास आ गया भाई 1000 इंटू 9 प्लस 1 बाई 9। तो ये आ गया भाई हमारे पास 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 10/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.111 ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 1.1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, यह आ जाएगा 1100 मीटर के करीब, उसकी क्या हो जाएगी, नियरली हो जाएगी बेटा, क्योंकि 1.11111 है ना, तो नियरली कितना हो जाएगी 1100 मीटर के करीब इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना जरूरी है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के ऊपर। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड reaches to velocity 40 meter per second with acceleration 10 meter per second square, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों बराबर ही हैं। सॉल्यूशन देखो इसका क्या हो जाएगा। देखो बेटा क्या दे रखा है, रेस्ट से शुरू है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे पहुँच गई, 40 मीटर पर सेकेंड पे पहुँच गई ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलेरेशन भी दे रखा है, ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस निकालना है, तो एस के लिए फार्मूला क्या है भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पुट कर दो इसके अंदर, v की वैल्यू 40 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0 का स्क्वायर,
टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू एस निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1600 इज इक्वल टू 20 एस। तो यहाँ से हमारे पास जीरो से जीरो कट गया, एस की वैल्यू कितनी आएगी, 80 मीटर आ गई बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 80 मीटर आ गई। नेक्स्ट देखो, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग हैविंग टाइम 30 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है बेटा, अब देखो ड्रॉप की है ऐसे, कहाँ से, हाइट मतलब बिल्डिंग से, ऊपर से बिल्डिंग की हाइट से ऐसे ड्रॉप कर दी। टाइम कितना लिया, 30 सेकंड लिया टाइम, ठीक है। हाइट बतानी है तो देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन इसका। यहाँ पे टाइम कितना है भाई, 30 सेकंड। अब ये बताओ ऊपर से छोड़ी, एक्सेलेरेशन कौन सा लगेगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम उसको नियरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके भी चल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी लगेगी ऊपर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी क्योंकि अर्थ नीचे खींच रही है। तो अब एस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप की है ना, ऐसे ऐसे ड्रॉप की है, ऐसे ऊपर से छोड़ी है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू कितनी है, 30, 0 इंटू 30 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, और टी की वैल्यू कितनी है, 30। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, तो 0 ही हो गया ये, 5 इंटू 900, ठीक है ना, 5 इंटू कितना आ गया ये, 900। तो कितना आ गया भैया, इतने मीटर डिस्टेंस आ गई भैया, ठीक है ना। एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, यू की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया, टाइम 30 सेकंड ले रखा है, 30 सेकंड का स्क्वायर करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 5 इंटू 30 का स्क्वायर, 5 इंटू 900 4500 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू।